नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भैया, सुबह उठते ही इतनी भारी बरसात हो रही थी, खूब बादल गरज रहे थे। फिर मैंने भी इन अपने साइकिल स्टैंड को उठा के बरसात में रख दिया और सारे के सारे पौधे देखो कैसे मस्ती में झूम रहे हैं। तो बिल्कुल आज किसी ऐसे प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया बारिश में भीगना बिल्कुल भी किसी के लिए ठीक नहीं है, है ना, कहीं जुकाम वगैरह ना हो जाए। तो बिल्कुल मैं भी साइड में खड़े होके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और बिल्कुल दोस्तों, मैंने तो बहुत जगह वो प्लांट उगा रखे हैं और ये देखिए हैवी वेट के कारण है ना, ये टाइगर रोज़ भी सारा नीचे उड़ गया। लेकिन चलो, फिर भी पौधे बहुत खुश हैं। बरसात का पानी दोस्तों पौधों में एक रंगत ला देता है नई सी, और इन बेचारों को भी छुटकारा मिल गया रोज़ पाइप से पानी देने पे। तो ये देखो, भी पहले तो मैं यही दिखा दूँ, ये देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और बिल्कुल दोस्तों, मैंने इतनी सारी जगह पे मनी प्लांट्स उगा रखे हैं और इसकी कटिंग्स मैं जहाँ जहाँ से भी कटाई छटाई करती रहती हूँ, उगाती रहती हूँ। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ऐसा कोई नया नवेला प्लांट नहीं है, ये पुराने टाइम से हमारे घरों में है ना। मनी प्लांट तो हम देखते ही आ रहे हैं, कुछ कॉमन से प्लांट है, मनी प्लांट हो गए, सदाबहार हो गए, तुलसा का पौधा हो गया, गुलाब हो गया, और मतलब इस तरह के पौधे हमेशा घरों में रहते ही थे, चाहे घर वालों को शौक था नहीं था, लेकिन ये प्लांट तो बड़े कॉमन से हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें छोटे से गमले में ही रोइयों का भी लगा हुआ है और मनी प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मनी प्लांट को बढ़ाना या किसी भी तरीके की इसको खाद वगैरह की कोई ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। मैंने इन वाले गमलों में कभी दोस्तों खाद भी दी हो, वही मेरा तरीका होता है सोयल बनाने का, जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ। बस एक बार अगर आपने मिट्टी अच्छे से बना ली और फिर आपने अपने प्लांट को लगा दिया, कटिंग को लगा दिया, तो मुझे नहीं लगता फिर वो अच्छे से ना चले। कभी एक डेढ़ साल में कभी मुझे खाद खुद अवेलेबल होती है, वो भी गोबर वगैरह की खाद, तब डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं भी होती तो भी ये बड़े अच्छे से चल रहे हैं देखो। और बिल्कुल दोस्तों, ये मेरे स्टैंड पे रखे हुए हैं, आउटडोर जो मेरा शेडी एरिया है वहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं, इसी तरीके की तासीर इसको पसंद है, आउटडोर शेड वाली। तो अब आप पूछोगे आपने इसकी मिट्टी तो बताई है, बहुत बार मैं ना बातों में भूल जाती हूँ मिट्टी बनानी, तो वही तरीका है मिट्टी बनाने का भी, गार्डन सॉइल और रिवर सैंड। कुछ प्लांट जिनकी थोड़ी सी आपको मिट्टी बंधी हुई रखनी होती है उसके बारे में मैं अलग से बता ही देती हूँ, अदरवाइज तो मोस्टली प्लांट के लिए यही प्रोपोर्शन होता है भी थोड़ा सा आप अपनी गार्डन सॉइल में रिवर सैंड मिला लें। अगर आपकी मिट्टी ऑलरेडी रिवर के पास वाली है, नहर के पास आप रहते हैं, तो देखो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी सैंड वाली मिट्टी होती है। लेकिन हाँ, हमारी इतने से मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं जहाँ की मिट्टी हार्ड है, तो रिवर सैंड मिलाना जरूरी होता है। फिर आप कोई भी प्लांट लगाओ, देखो सारी नई नई कटिंग लगाई हुई है। और दोनों तरीके दोस्तों मैंने आपको बता रखे हैं, एक तो छोटे गमलों वाला भी जो हम लिटा के कटिंग लगाते हैं ताकि गमला हमारा भर जाए, और एक वर्टिकली जो कि मूव स्टिक लगा के हम लगाते हैं, वो भी तरीका मैंने आपको बता रखा है। और ये देखो, ये स्टैंड पे ये मैं ऐसे ऐसे पौधे ही लगाती रहती हूँ जो कि शेड लविंग है, आउटडोर शेड लविंग है। इन्हीं पौधों को आप चाहे तो विंडो में भी रख सकते हो। और ये सारे मैंने जो कैक्टस के हटा रखे थे, ये मैंने सारे अरेंज कर दिए, ऊपर रख दिए, वहाँ इतना कोई पानी पड़ेगा भी नहीं। और यहाँ वैसे भी मैं बहुत कम पानी देती हूँ, इतना कोई ज़्यादा पानी भी नहीं देती, क्योंकि ये सारे गमले हैं भी सेरेमिक वगैरह के और इस तरह के, तो इनमें पानी इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है, तो थोड़ा सा इनका बचाव भी हो जाता है ज़्यादा पानी देने से। और जहाँ ये रखे हुए हैं वहां भी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं ये। तो ये देखो भी सारे के सारे मनी प्लांट, ये छोटी छोटी कटिंग्स ही मैं ऐसे काट काट के लगाती रहती हूँ। ये जैसे फ्रॉग में लगा रखी है, ये देखो कितनी अच्छी चल रही है ये भी, तो मिक्स करके लगाती रहती हूँ मैं। रोयो भी लगा देती हूँ इसमें, देखो ये जेड की भी लगी हुई है, कैलन कोई की भी लगी हुई है, और ये जो नई नई हमने लगाई थी ये भी सब ठीक चल रही है, ये देखो है ना। और ये देखो कहाँ तक आ रही है ये लटक के। तो बस मनी प्लांट को ऐसी कोई खास केयर की जरूरत नहीं होती, पता नहीं आपका कैसे सूख जाता है, समझ में नहीं आता, या तो फिर भी एक बार ड्रेनेज होल चेक कर लिया करो, कभी वही बंद हो गया हो, है ना, इसी कारण पत्ते पीले पड़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम सब कुछ दे रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
तो कई बार ना समस्या ड्रेनेज होल की भी हो जाती है। ड्रेनेज होल अगर बंद हो गया, ऊपर से आपको पता है क्या लगेगा, गर्मी है, मिट्टी सूखी लगेगी, नीचे पानी इकट्ठा होता रहेगा और प्लांट खराब होता रहेगा, है ना। तो ये भी एक बार चेक कर लिया करो, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है। सोयल का मैंने बता ही दिया, अगर आपकी हैवी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी कह लो या ज़्यादा हार्ड मिट्टी कह लो, तो फिर आप इस तरह से प्लांट लगाओ अपने, जैसे कि मैं लगाती हूँ, तो बहुत अच्छे चलेंगे आपके प्लांट। इनको तो खाद तो क्या, मैं कभी छेड़ती भी नहीं इन वाले पौधों को, तो रियली मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसी बोलने के लिए, है ना, डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज करने के लिए कह दूँ आपको ये डालना चाहिए, आपको ये डालना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कभी नहीं डालती भाई, मैं कमेंट में भी सीधा लिख ही देती हूँ। कई बार आप पूछ लेते हो कि फर्टिलाइजर कौन सा, ये क्या फर्टिलाइजर यार, पौधों से, अब जंगलों में कौन फर्टिलाइजर देने जाता है बताओ, है ना। जो अच्छे हरे भरे हरे होते हैं, कौन फर्टिलाइज करता है उनको, है ना। बस इतना ही किया करो, जो आपके गार्डन की पत्तियां हैं उनको मत फेंका करो, उनको डालते रहा करो, उनका मल्चिंग में भी यूज ले लिया करो, है ना, नए पोट्स बनाने में यूज ले लिया करो, फिर मुझे नहीं लगता किसी और चीज की कभी जरूरत पड़ती होगी। हाँ, और ज्यादा अपने ग्रीन अपने प्लांट्स को बनाना है, देखो बहुत सारी चीजें हमारे किचन में से ही निकल आती हैं, है ना। जैसे फंगल अटैक हो गया तो काली मिर्च का पाउडर यूज कर लो, हल्दी का पाउडर ले लो, दालचीनी का पाउडर ले लो, और कंपोस्ट के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, नहीं बनाना आप पसंद करते तो फिर आप जो चाय पत्ती सबके घर में चलती है, चाहे ग्रीन टी पिए, चाहे कैसी भी पिए, तो वो आप यूज़ कर लिया करो, यूज़ की हुई दूध वाली बनाते हो चाय तो धो के उसको डाल लिया करो, और ग्रीन टी वगैरह डालते हो तो वैसे ही यूज़ कर लो उसको। तो बहुत सारे तरीके हैं छोटे छोटे से, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपके घर का ये छोटा मोटा किचन वेस्ट भी काम आ जाता है, और दूसरा आपके प्लांट्स भी बहुत हरे भरे रहते हैं। और ये देखो सारी मैंने नई नई कटिंग लगाई है, इनमें सर्दियों के वो कैलन कोई वगैरह लगे हुए थे, ये देखो एक तो कटिंग मैंने इसमें छोड़ दी थी, ये मैंने ये लगा रखे हैं, ये देखो सारे अच्छे चल रहे हैं। मतलब तो छोटे छोटे गमलों में भी दोस्तों मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। पानी का मुझे ये रहता है बस, फिर बार बार पानी चेंज करना होता है, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, तो पानी में मैं कम उगाती हूँ। वैसे अगर आप को डेकोरेशन के लिए लगाना है तो आप अंदर अपने लिविंग एरियाज में, अपनी इसकी किचन की विंडोज वगैरह में भी रख सकते हो उसको लगा लगा के, या पानी में नहीं लगाना तो आप हैंगिंग बास्केट्स भी टांग सकते हो इसकी बना बना के, वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। मनी प्लांट ज्यादा ना लटकता हुआ, थोड़ा थोड़ा लटकता हुआ सा सारी बास्केट को घेरता हुआ बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह के डेकोरेटिव प्लांटर्स में तो आप लगा ही सकते हो मिक्स एंड मैच करके। और ये भी मैं वर्टिकली बता रही थी, देखो ये वर्टिकल में भी कितने अच्छे चल रहे हैं, बरसात के उधर भी काफी सारे रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैंने कहा मैं नहीं जा रही भाई, कभी यहाँ गर्म सर्द हो जाए, अभी मैं अभी सुबह सुबह सो के उठी हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती, लेकिन बारिश अभी तेज है। तो ये देखिए ये भी कितने अच्छे चल रहे हैं जो साइड में रखे हुए हैं, है ना। तो ये देखो मैंने दो तरीके से लगा रखा है इसको, एक तो मनी प्लांट है ये और एक सिंगोनियम है, इनका मिक्स एंड मैच करके मैंने लगा रखा है। दोनों ही एक सी तासीर के पौधे हैं, है ना, मूस्टिक के साथ देखो अच्छे से चल रहे हैं, दोनों अपनी पूरी लंबाई पकड़ रहे हैं, और देखो सारा का सारा पोर्ट, छोटा सा पोर्ट है ये, इन्होंने सारा का सारा कवर कर रखा है, और देखो कितने सुंदर कलर आए हुए हैं। और बिल्कुल दोस्तों जैसा ही मैं आपको इनके लिए एनवायरमेंट बता रही हूँ, इनको ऐसा ही पसंद, ये बिल्कुल आउटडोर शेड एरिया में रखे हैं, इसी तरीके से आप इनको अंदर भी रख सकते हो, विंडो वगैरह के पास, जहाँ विंडो खोलते हो, देखो थोड़ी बहुत ताजी हवा तो हर पौधे को चाहिए, है ना, तो वो भी इनको जरूर मिलनी चाहिए। वैसे तो ये नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, ऑक्सीजन रिच प्लांट्स के नाम से आते हैं ये, लेकिन फिर भी एक हमारी तसल्ली हो जाती है कि ताजी हवा हमारे पौधों को मिल गई। तो ऐसे ही इनको आउटडोर वाला एनवायरमेंट मैंने दे रखा है, और देखो ये खूब बढ़िया से चल रहे हैं, और खूब मैं जब ओवर ग्रो कर जाती हैं तो मैं इनकी कटिंग भी नहीं कभी फेंकती, और कई बार दोस्तों शेप देने के लिए ना गलती से मेरे से भी इनकी ब्रांच टूट जाती है, दुख तो नहीं होता, थोड़ा सा होता है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं कोई नहीं, इससे मैं नया प्लांट बना लूंगी। तो आप भी, है ना, छोटी छोटी कटिंग से आप इसके नए नए पौधे बना सकते हो, और बहुत आसान है इसकी तो कटिंग लगाना, सबको आती होगी जो भी ये चैनल देखते हैं, क्योंकि गार्डनिंग के जो शौकीन लोग होते हैं छोटे छोटे काम तो देखो उनको आते ही हैं। और बस भाई मैं भी बारिश एंजॉय करती हूँ, और स्टैंड वटैंड जो भी थे मेरे मैंने निकाल के बरसात में रख दिए हैं आप अपने, ताकि इनको भी बरसात मिल जाए, फिर साइड में उठा के रख दूंगी तो ये भी खुश हो जाएंगे, है ना, जो साइड में रखे हुए थे, जो उठा सकती थी वो तो मैंने रख दिए, और इतने भारी भारी तो नहीं उठाए जाते थे, खैर ये तो चलो आराम से रख सकती थी।
तो मनी प्लांट के बारे में मुझे लगता है अब कोई बात रही नहीं होगी, जो जो आपके कमेंट थे मैंने लेने की कोशिश की है। और बस पौधों से प्यार करो, लगाव करो, इनको वही रख रखाव दो जो एक प्लांट को चाहिए। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अब भी कुछ रह गया हो तो मुझसे फिर कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर मैंने ध्यान करके ही आपके लिए वीडियो बनाया है, क्या क्या आपके कमेंट आ रहे थे। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।